हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप O3 प्लस का क्लीनअप घर पे ही कर सकते हो। O3 प्लस एक ऐसा ब्रांड है जिसके फेशियल और क्लीनअप बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जहां पर मैं रहती हूँ वहां पे इतने ज्यादा बड़े बड़े सलोन नहीं है, लेकिन फिर भी O3 प्लस का जो अमाउंट है फेशियल का वो 3000 से एवब है, और क्लीनअप जो है उसका अमाउंट मैंने 2018 में एक बार करवाया था। 800 रुपए का उसका क्लीनअप था जिसमें उन्होंने सिर्फ स्क्रब लिया था O3 प्लस का, मेरे फेस पर रब कर दिया था। जबकि O3 प्लस का जो स्क्रब है उसका अमाउंट है 500 रुपीज ओनली। इनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितने कि इनको चार्ज इनका बहुत ज्यादा हैवी है। जैसे कि आप कोई भी फेशियल क्लीनअप कराने के लिए जाते हो तो आपको इसका बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। अगर किसी भी फंक्शन या पार्टी में जाने से पहले आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई रहे, आपकी स्किन पे निखार रहे, तो ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप O3 प्लस के प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप घर पे ही O3 प्लस का क्लीनअप कर सकते हो, क्योंकि जो हम पार्लर पे सलोन पे जो भी ट्रीटमेंट हम करवाते हैं O3 प्लस के, उसमें वो प्रोडक्ट इतना ज्यादा हमारे फेस पे नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका अमाउंट हमसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च ना हो, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग O3 प्लस के कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रोडक्ट आप परचेस कर लेंगे काफी लंबे आपके चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने फेस की करनी है क्लेंजिंग। टोटल 4 स्टेप है, चारों ही बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें करनी है अपने फेस की क्लेंजिंग, और क्लेंजिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ O3 प्लस का स्किन ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग फेस वॉश। आप लोग को भी यही फेस वॉश यूज करना है, क्योंकि हम O3 प्लस का क्लीनअप कर रहे हैं तो आपको O3 प्लस के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं, तभी आपको 100% रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेस वॉश लेना है। ये फेस वॉश मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कंप्लीट रिव्यू आपको बाद में मैं इसका जरूर शेयर करूंगी। तो फर्स्ट टाइम आज मैं इसको यूज कर रही हूँ, कुछ ट्रांसपेरेंट सा ये नजर आता है। पूरी फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई फेशियल करते हैं या फिर क्लीनअप करते हैं उसमें मसाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा मेन पार्ट होती है। किस तरह से हमने मसाज की है, कितना टाइम दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मसाज ज्यादा देर तक नहीं की है, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया है, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल तसल्ली से बैठ के आप लोग आराम से इस फेशियल को या क्लीनअप को करिएगा। तो 5 मिनट तक आपको अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करनी होगी, इस तरह से जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वहां पे आपको अच्छी तरह से मसाज करनी है अपने पूरे फेस की। 5 मिनट तक आपको करनी ही है, आप थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे सकते हो। अगर आप कोई भी अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो आपको 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। जो मैं टाइम आपको बताऊंगा उससे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आपका फेस अच्छी तरह से क्लीन हो पाएगा, ग्लोई हो पाएगा। क्योंकि मैं अपने फेस को क्लीन करती रहती हूँ इसीलिए मैंने इस क्लीनअप में ज्यादा टाइम नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से 5 मिनट तक अपने फेस की मसाज कर ली है, उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है पानी से, उसके बाद वाइप आउट कर लेना है। टाल के साथ अच्छी तरह से पोंछ लेंगे अपने पूरे फेस को, जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसा ही फॉलो करना है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप में हमें करनी है स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर की मदद से स्टीम ले सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, उसमें पानी अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। उसके बाद टाल से अपने फेस को कवर कर लेंगे और 5 से 5 मिनट तक आपको अच्छी तरह से अपने फेस की स्टीम लेनी है। सिर्फ 5 मिनट तक आपको स्टीम लेनी है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। स्टीम लेने से क्या होता है, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो पूरे ओपन हो जाते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो 5 मिनट तक अच्छी तरह से स्टीम लेने के बाद मूव ऑन करेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में मैं यूज कर रही हूँ O3 प्लस का वॉल्केनो स्क्रब। इसका रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो। बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब है ये, मैं इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रही हूँ। जब भी किसी पार्टी या फंक्शन में आपको जाना होता है, सिर्फ आप ये स्क्रब ही अगर अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हो, अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर लेते हो, तब भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो स्क्रब करने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया है स्क्रब का,
इसके बाद मेरे पास कोई मसाज क्रीम नहीं है, इसीलिए मैं इसमें नीविया का थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स कर लूंगी। उसके बाद अच्छी तरह से अपने फेस की स्क्रबिंग करूंगी 10 मिनट तक। जी हाँ, आपको स्क्रबिंग में 10 मिनट देनी है, जो जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ। 5 मिनट आपको क्लेंजिंग में देनी है, 5 मिनट आपको स्टीमिंग में देनी है, 10 मिनट आपको स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग जब भी हम करते हैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें स्क्रबिंग करनी होती है। बिल्कुल हल्के हाथों से अगर आप स्क्रबिंग करोगे तो आपके फेस पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट आपका जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको अपने फेस को क्लीन करना है, स्क्रबिंग करनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, बीच बीच में जो स्क्रब है वो थोड़ा सा ड्राई होने लग जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा बीच बीच में, सॉरी थोड़ा सा गुलाब जल आपको बीच बीच में लेते रहना है। सिंपल वाटर का यूज आपको नहीं करना है। डाबर का गुलाब जल मैं यूज कर रही हूँ, जैसे मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा स्क्रब ड्राई हो रहा है। स्क्रब जब ड्राई हो जाएगा तो उसको आप अच्छी तरह से स्क्रबिंग नहीं कर सकते हो, फेस आपका हार्श हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल बीच बीच में लेते रहेंगे और 10 मिनट तक अच्छी तरह से अपने पूरे फेस की स्क्रबिंग आपको कर लेनी है। टोटल कितनी मिनट्स हो गई, 5 मिनट हमने दी थी क्लेंजिंग में, 5 मिनट हमने दी थी स्टीमिंग में और 10 मिनट हमने दी थी स्क्रबिंग में। टोटल 20 मिनट्स हो गई। इसके बाद हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फाइनल स्टेप हम करेंगे जिसमें हमें अप्लाई करना है मास्क। तो मैं यहाँ पे D10 मास्क यूज कर रही हूँ, O3 प्लस का। इसका भी रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये मास्क, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। स्पेशली समर्स में हमारे फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन विंटर्स में भी क्या होता है, अक्सर धूप में हम लोग बैठ जाते हैं तो हमारे फेस पे टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे में ये वाला मास्क अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पतली सी लेयर अपने फेस पे इसकी अप्लाई कर लेनी है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं लगाना है। फेस मास्क को अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 20 मिनट तक मैं इसको अपने फेस पे रखूंगी, या फिर तब तक जब तक ये हमारी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। आप देखोगे जब ये पूरी तरह से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पूरी तरह से हमारी स्किन में चला जाएगा एक तरह से, तब आपको इसे रिमूव करना है। इसको रिमूव करना, जिस तरह से हमें इसको रिमूव करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक टाल लेना या फिर आप एक हैंकी ले लें, उसको गीला करेंगे, उसके बाद अपने फेस पे जितना भी मास्क है उसको पोंछ लेंगे, वाइप कर देंगे। उसके बाद आपको अपने फेस को सिंपल वाटर से वॉश करना है। आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो हम हल्के से गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चारों ही स्टेप हो गई और चारों ही ये स्टेप हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये जो प्रोडक्ट है काफी टाइम पहले खरीदे थे, जिनका रिव्यू मैंने किया था आप लोग के साथ, और ये प्रोडक्ट अभी तक चल रहे हैं। तो दोस्तों चारों ही स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। O3 प्लस में पर्सनली बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने इनके प्रोडक्ट को यूज किया है और मुझे इनके रिजल्ट काफी अच्छे लगते हैं। इनके प्रोडक्ट उतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितना इनको चार्ज, इनका जो पार्लर से सलोन में इनका जो चार्ज है वो ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि O3 प्लस बहुत ज्यादा कॉस्टली ब्रांड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी जो फेशियल है उसका जो प्राइस आई थिंक 700 और 800 है, लेकिन उसमें आपको 10 स्टेप भी मिलती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं इनके जो प्रोडक्ट है। एक बार आपको इन्वेस्ट करना होता है, बजाय किसी पार्लर या सलून में जाके इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करें, बेहतर है आप घर पे ही अच्छा सा क्लीन अप कर सकते हो। ज्यादा टाइम आपको नहीं देना होगा और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लोई हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो किसी भी फंक्शन में जाने से पहले एक दिन पहले आपको इसको करना है और आपको देखोगे नेक्स्ट डे आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर आप रेगुलर बेसिस पे 15 डेज में, 15 दिनों में सिर्फ एक बार इस क्लीनअप को भी यूज कर सकते हो, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलने वाली हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।